नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। आपके साथ मसला क्या है? क्यों कॉल करते रहते हैं मुझे बार बार? शुक्र है तुमने मेरी कॉल पिक की, वरना जिस तरह सुबह तुमने मेरा फोन काटा था मुझे लगा तुम मेरी कॉल पिक ही नहीं करोगी। क्या हुआ, चुप क्यों, कुछ कहोगे नहीं? आपको जो कहना आप जल्दी कहें, मैं फोन रख रही हूँ। प्लीज फोन नहीं बंद करो, आप फोन पिक कर ही लिया तो बात भी कर लो ना। क्या बात करनी है आपको? मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे असाइनमेंट बनानी है। वाओ, तुम्हें पता है मैं भी अभी स्टडीज का ही सोच रहा था। देखो हमारी टाइमिंग कितनी मैच करती है, और एक ना एक दिन हमारे ख्याल भी मैच कर बैठे हैं। सोच हमारे ख्यालात, हमारी मोहब्बत एक हो जाएगी तो हम भी एक हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो। और अगर ऐसा हो गया तो ऐसा तो होके रहेगा, क्या तुम कॉल काटो क्या ना? पागल है, कोई जोर से बदस्ती है क्या? मैं बात करूं इससे? मुझे नहीं बात करनी, मोहब्बत हो गई है। हो सकता है वो सच कह रहा हो, उसे सच में तुमसे मोहब्बत हो गई हो, और तुम भी तो ना चाहते हुए उसका फोन उठा लेती हो। उसे एक अमीर जादी कुत्सिया से मोहब्बत हुई है, जो किसी बड़े से बंगले में रहती है जिसका बाप बिजनेसमैन है। तो उस कुत्सिया से मोहब्बत नहीं करता जो एक छोटे से घर में रहती है, गंदे मोहल्ले में रहती है, जो एक रक्षे वाले और मासी की बेटी है। ऐसी कुत्सिया से मोहब्बत करने का वो सोच भी नहीं सकता। अरे मेरी मासूम कुत्सिया, मोहब्बत में तो लोग तख्तो ताज को भी ठोकर मार देते हैं, ये भी तो हकीकत है। वो पुरानी बात है, आजकल के लड़के ऐसे नहीं है। आजकल के लड़कों को हर दूसरे दिन किसी ना किसी से मोहब्बत हो जाती है, और अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो फिर अनाया का क्या जो उससे बे इंतहा मोहब्बत करती है। बहुत चालाक इंसान, एक तरफ तो अनाया को अपने जाल में फंसा रखा और उसके बाद मेरे पीछे पड़ा हाथ धो के। देखो बाज औकात जो दिखता है ना वो हकीकत से बहुत दूर होता है। क्या हुआ अली, तुम्हारे निशान कैसे, कहां से आ रहे हो, किसने मारा तुम्हें? कुत्सिया की उस लंदन वाले कजन ने। लंदन वाले कजन ने? लेकिन वो कहां मिला, क्यों मारा उसने? ये देखो, का मतलब है कि मेरा शक बिल्कुल ठीक था। ठीक नहीं, 100% ठीक। और उसका लंदन वाला कजन, कोई लंदन वंदन से नहीं आया वो, बल्कि वो तो उसी इलाके का एक सड़क चाप गुंडा है। उसी ने मेरी हालत की है। क्या? हाँ, उसने और उसके दोस्त ने, और तो और कमीने ने मेरे सारे पैसे भी छीन लिए। वो तो ये फोन भी छीनना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे देने का वादा करके उनसे अपनी जान छुड़ाई है मैंने। तो अब तुम उनसे दोबारा मिलोगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अली? तुम्हें चाहिए था कि तुम यहाँ नहीं पुलिस स्टेशन जाओ, जाके रिपोर्ट दर्ज करवाओ। मिलना तो उससे पड़ेगा, क्योंकि अब ये मामला रिपोर्ट से कहीं आगे का है। क्या मतलब है तुम्हारा, समझी नहीं? मैं बस तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। आया क्यों?
क्योंकि अगर तुम मुझे प्रोवोक ना करती तो मैं कभी कुत्सिया की असलियत तक ना पहुंच पाता। लेकिन अली अब तुम इन वीडियोस का क्या करोगे? ये वीडियोस तो पूरी यूनिवर्सिटी देखेगी। उसका वो हाल करूंगा मैं कि वो अब अपना थप्पड़ याद करके रोएगी कि उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा था। चलो मैं घर चलता हूं, बाद में मुलाकात होती है। बाय। अच्छा अम्मा मैं चलती हूँ। बेटा आज जरा बेगम साहब की तरफ से ले जाना, बस कुछ ही दिनों की बात है। डॉक्टर काम की इजाजत दे दे तो। कैसी बातें कर रही हो अम्मा, मुझे आपकी सेहत और जिंदगी सबसे ज्यादा अजीज है। जब तक आपको डॉक्टर नहीं कहता और आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, काम पे मैं ही जाऊँ। आप बेफिक्र रहें, आपने और अब्बा ने मेरे लिए सारी जिंदगी इतना कुछ किया, क्या मैं आपके लिए चंद दिन काम नहीं कर सकती? हाँ उस दिन बस अनुषी की बातों पे मुझे गुस्सा आ गया, मैं उससे भी माफी मांग रही हूँ, गलती तो मेरी है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है, अल्लाह के सपूत। अच्छा अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? आजा बेटा देर हो रही है, आजा आजा शावर चलो। कुछ से आई नहीं अब तक? बस आती हो, लेकिन तुम मुझे बताओ तो सही कि तुमने क्या सोचा है, क्या करने वाले हो तुम? तुम बस देखती जाओ कि आज मैं करता क्या हूँ। फिर भी कुछ तो बताओ यार। बस तुम क्लास एंड होने के बाद ना ऑडिटोरियम आ जाना। अच्छा इब्राहिम आ रहा है, मैं चलता हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग, खैरियत? तुम और इतनी सुबह कैसे उठ गई और आज मुझसे पहले यूनिवर्सिटी भी पहुंच गई? हाँ वो आज मैं जल्दी उठ गई थी। काफी जल्दी, तुम ठीक तो हो ना? आई मीन यू ओके? अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ तो किसी लड़की को टाइम दिया हुआ है क्या? कम ऑन यू नो मी यार, तुम मुझे जानती हो। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो तुम मेरा सब कुछ हो, मेरे दोस्त, मेरे हम ख्याल, सब कुछ। अच्छा वो सॉरी मैं रात को आ नहीं सका, मैं थोड़ा बिजी था। कोई मसला नहीं, मैंने तुमसे कोई गिला नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरी क्लास है। A big change. I hope she's okay. बेटा मैं जरा एक गाड़ी के काम से जाऊंगा, शायद लेने आ सकूं तुम्हें। ये किराया रख लो, ये लो रख लो। जी। अल्लाह हाफिज़। अनाया आज तुम कुछ जल्दी नहीं आ गई? तुम तो इतनी जल्दी नहीं आती, आज तो रिदा भी नहीं आई।
आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को मेरे जल्दी आने से? मैं देर से आऊं या जल्दी, मेरी मर्जी। हाय नाया। हाय कुत्सिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। गुड। चलो गाइस, सब ऑडिटोरियम में। ऑडिटोरियम? क्यों, क्लास नहीं हो रही क्या? क्लास तो होगी, मगर किसकी ये तो वहीं जाकर मालूम होगा। मेरा मतलब है सर नदीम की। उन्होंने सबको वहीं बुलाया है सेमिनार की तैयारी करवाने के लिए, और कुछ देर में वो भी वहीं पर आ रहे हैं। ओके। चलें कुछ या? चल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से कुछ ही देर में हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है और हमारे मोजिस मेहमान भी तशरीफ लेकर आने वाले हैं। सब क्या हो रहा है? पता नहीं, देखते हैं क्या हो रहा है। हाजरीन, पेशे खिदमत है एक अजनबी हसीना जो कि यूनिवर्सिटी में कुछ और है और बाहर कुछ और। इसे कहते हैं 2-in-1। जी, 2-in-1। ये सब क्या है अली, क्या दिखाना चाह रहे हो? खुद ही देख लो। ये सब क्या है कुत्सिया? तुम हम सबसे झूठ बोलती थी। तुम तो कहती थी कि तुम गाड़ी में आती हो, मगर यहां पे तो तुम रिक्शे में जा रही हो। क्या बात है रशीद, आज जल्दी घर आ गए? हाँ, वो रिक्शा खराब हो गया था तो मैकेनिक के पास गया, लेकिन लेकिन वो खर्चा बढ़ा रहा था। मैकेनिक कह रहा है पूरा रिक्शा बनाना पड़ेगा। कितना खर्चा? अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा, समझो नए जितना। नए के बराबर? रशीद हमारे पास तो मालिक है, करता हूँ कुछ। मेरी तबीयत ठीक होती तो बेगम साहिबा से उधार मांग लेती, ऊपर से श्री कुत्सिया ने वहां उनको नाराज कर दी। अरे भाई, क्या जरूरत थी अनुषे के कपड़े साथ लगाकर देखने की? इतनी गुस्से की तेज है वो लोग, मुझे तो ये डर लग रहा है मुझे नौकरी से ही नफारे कर दे। अब अगर इन हालात में रिक्शा भी। अल्लाह मारी, परेशान क्यों हो रही हो? उसने कहा तो कल चली जाएगी, वो ठीक हो जाएगा सब। पानी पिलाऊंगा। ये तो कुछ नहीं, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। नाम तो आप सब जानते ही होंगे इनका, मिस कुत्सिया, जो कि अपने आप को एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी जाहिर करती है। बहुत बड़े बंगले में रहती हैं,
और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हैं। ये है इनकी असलियत। और अब पेशे खिदमत है इनके लंदन वाले कजन मिस्टर खालिद। तालियां। जी खालिद साहब, क्या करते हैं आप और क्या रिश्ता है आपका मिस कुत्सिया से? मैं लोगों के घरों में इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ और ये मेरे चाचा रशीद की बेटी है। और वो क्या करते हैं? रिश्का चलाते हैं। तो ये है हमारी प्यारी सी, मासूम सी, खामोश रहने वाली कुत्सिया का असल चेहरा। तालियां। मंत्री साहब, क्या तमाशा लगा रखा है? शर्म आनी चाहिए तुझे। एक लड़की की महरूमी का मजाक उड़ा रहा है सबके साथ। और तुम सब किस बात पर तालियां बजा रहे हो? किस बात में तालियां बज रही हैं? क्या किया कुत्सिया ने? क्या कसूर है इसका? बताओ मुझे क्या कसूर है इसका? क्या किया? तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? तुम में से किसी का कुछ बिगाड़ा है? अपनी गुर्बत छुपाइए ना, अपनी मजबूरी छुपाइए ना, लेकिन एक बार भी तुम में से किसी ने ये सोचा कि उसने ऐसा क्यों किया? तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी सोसाइटी में अपने से कमतर लोगों को हम किस निगाह से देखते हैं। कुछ तो शर्म करो यार। और तू क्या, पार्टी चल रही है, फंक्शन हो रहा है, तेरा वलीमा है जो यहां सबको बुला रहा है इस तरह? और मैं तुझे लास्ट टाइम फोन कर रहा हूं, अगर आज के बाद तूने कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ किया तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। एंड आई मीन इट। कुत्सिया, बदलते रहे मेरे सब हालात रे, कैसे मैं बताऊं हुआ क्या क्या मेरे साथ रे। ये भी तो ना चाहे कभी हमको सिला दो, पूछे कोई गम का पता हमसे मिला दो। इब्राहिम, वो कुत्सिया वो चली गई, उसे चले ही जाना चाहिए। वहां तमाशा जो चल रहा था कुछ सब एंजॉय कर रहे थे, तुम भी। करवटें बदलते रहे मेरे सब हालात रे, कैसे मैं बताऊं हुआ क्या क्या मेरे साथ रे। ठेस लगी तो टूटे मेरे जज्बात रे, जान कब मिलेगी हमें दुखों से नजात रे। टूटे हुए मेरे दिल को कौन संभाले, गम ये रख तेरे पैसे। ये क्या भाई, इतने पैसों की बात तो नहीं हुई थी। अब जितनी तेरी औकात है ना उससे कहीं ज्यादा दे रहा हूँ। अब ये रख और निकल यहाँ से। ऐसे कैसे निकल बे? अपना हिसाब पूरा करके जाऊंगा, जितने पैसों की बात हुई है ना उतने पैसे लेकर जाऊंगा, समझ आई तेरे? हिसाब चाहिए तुझे? अब हुआ हिसाब बराबर, याद आई? क्या हुआ, रुक क्यों गया? आ ना, आज अपनी बरदानगी नहीं दिखाएगा?
तेरी भलाई इसी में, ये पैसे रख और निकल यहाँ से, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। अपनी गली में ना कुत्ता भी शेर होता है, तुम लोगों को क्या लगता है क्या यहीं बैठे रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे? एक एक को देख लूंगा, एक एक से हिसाब लूंगा, समझ आई? मेरी बात भी याद रखना और ये चेहरा भी। शेर हर जगह शेर होता है, चल निकल बेटा, चल चला गेम खेलने। पागल। चला क्या हुआ बेटा? या क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? जल्दी भी आ गई, किसी ने कुछ कहा, कोई बात हुई है क्या? कुछ बताओ तो सही, क्या बात है? उर्सिया अब कुछ बताओगी भी सही? अनुष्या ने कुछ कहा है? अरे वो क्या कहेगी, उस तरफ तो ये गई भी नहीं है, मैं तो यूनिवर्सिटी छोड़कर आया था। कुछ पता तो चले क्या बात है, बताओ तो सही। अम्मा, मैं अब से यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं जाओगी? आप मुझे बताएं, क्या गरीब होना गुनाह होता है? नहीं नहीं बेटा, गरीब होना गुनाह शायद, लेकिन बताओ तो सही हुआ क्या है? इब्राहिम, इब्राहिम प्लीज मेरी बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें बताना जरूरी नहीं है अनाया। तुम्हें क्या हुआ है, क्यों इतना रूडली बिहेव कर रहे हो? मैंने क्या किया है? क्या किया? तुमने देखा अली ने किस तरह सबके सामने कुत्सिया की इंसल्ट की, और तुम चुपचाप खड़ी हो तमाशा देख रही थी? क्या करती मैं, क्या करती बताओ मुझे? अली ने जो भी किया कुछ गलत नहीं, उसकी असलियत सबके सामने जाहिर की है उसने, और उसका तरीका भले ही गलत हो लेकिन उसने उसका झूठ सबके सामने खोल के रख दिया। सच्चाई बताइए उसने सबको उसकी, कि वो जितने बड़े बड़े दावे करती थी ना, असल में वो अंदर से बहुत ही झूठी और मक्कार निकली। तुम बहुत ही गुण गाते थे ना उसके, कि वो बहुत ही मासूम लड़की है। अब पता चला उसकी सच्चाई, कितनी चालाक लड़की है। उसका प्लान था ये कि अमीर लड़कों को फंसा के अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके। ऐसी लड़कियों की सोच ऐसी ही होती है, और तुम जैसा सीधा साधा लड़का उसके पीछे पीछे घूमता रहा। बस करो ना, बस करो, बोलने से पहले सोच लिया करो कि बोल क्या रही हो, बिना वजह एक मासूम लड़की पे इल्जाम लगा रही हो। अफसोस हो रहा मुझे तुम्हारी सोच पर, और उससे ज्यादा अफसोस हो रहा मुझे अपने आप पर कि तुम मेरी दोस्त हो। वैसे तो मैं अली को अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो इस कदर घटिया हो सकती है। एक लड़की से थप्पड़ खाकर उसे बदला लेने के लिए वो इस हद तक गिर सकता है, और तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो इब्राहिम, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम ये गुस्से की वजह से कर रहे हो ना, उसकी वजह से बोल रहे हो, उसी की वजह से तुम अली का सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हो। मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। तुम्हारा कसूर ये है कि वो तुम्हारा कजन है, तुम्हारा दोस्त है। तुम चाहती तो उसे रोक सकती थी, उसे मना कर सकती थी, उसे समझा सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम्हें खुद कुत्सिया से नफरत करती हो तुम उससे। तुम मानते क्यों नहीं हो अभी भी कि हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है? हम दोनों साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं इब्राहिम, एक साथ कितनी कितनी बातें करते हैं हम लोग। तुमने कह दिया और मैंने मान लिया, इनफ इज इनफ। इब्राहिम प्लीज मेरी बात सुन लो, इब्राहिम मत जाओ प्लीज। अब बताए क्या गलत किया है मैंने, अपनी गुर्बत को छुपाना गुनाह होता है क्या? नहीं बेटा, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये जमाना गुर्बत को हमारे लिए गाली बना देता है। ये माशरा हमें किसी हाल में देख के खुश नहीं होता। कैसी बातें कर रहे हो ऋषि, बच्ची को समझाने के बजाय बेटा उसका दिल बुरा कर रहे हो। कुछ है बेटा, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की, सबके आगे झूठ बोलने की, अपने आप को अमीर जाहिर करने की, क्या जरूरत थी? देखो बेटा, हम जो हैं वही रहेंगे,
इस हकीकत को तुम टाल नहीं सकती। हम दोनों ने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया ताकि तुम अपना मुस्तकबिल रोशन कर सको, सवार सको। तुम्हें वो सब न सहना पड़े जो हमने सहा है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें क्या करती हूँ? कैसे सबके सवालों का जवाब देती? क्या बोलती उनको कि मैं रक्षा में क्यों आती हूँ? इसलिए कि मेरा बाप रक्षा ड्राइवर है, कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं है, और मेरी माँ सारा साल से लोगों के घरों में काम करती है, उनके झूठे बर्तन धोती है। मुझे इसका तो नहीं पता, लेकिन जो हरकत तुमने की है इसे तुमने हम दोनों को बहुत छोटा कर दिया। हमने तुम्हें हमेशा अपना फखर समझे, हमें नहीं मालूम था कि तुम्हारे अब्बा और अम्मा तुम्हारे लिए शर्म का बायस है। टूटे हुए मेरे दिल को कौन संभाले, गम की काली रातें लेकर दे मुझे उजाले, कर दिए है ख्वाब अपने रब के हवाले। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी सोच पर, और उससे ज्यादा अफसोस हो रहा है मुझे अपने आप पर कि तुम मेरी दोस्त हो। बात इस हद तक पहुंच गई है इब्राहिम कि तुम्हें आज अफसोस होने लगा है मेरी दोस्ती पर। ये सब उस कुत्सिया की वजह से, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। यार बड़ा बुरा हुआ बेचारे के साथ, क्या गुजर रही होगी उसके ऊपर यार, टूट चुकी होगी, इसलिए तो मैं परेशान। लेकिन यार पूरी सिचुएशन से एक बात तो अच्छी हुई कि उसका लंदन वाला कजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। वैसे तेरी बात हुई अच्छे से इस बारे में? नहीं यार, मैंने कई बार कॉल की उसे लेकिन वो मेरी कॉल ही नहीं पिक कर रही। नॉर्मली वो मुझसे बात नहीं करती, और अब तो सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई है। लेकिन आई पर्सनली फील के इस वक्त उसे किसी अपने की बेहद जरूरत है। उसका तो ना कोई भाई है ना बहन, इकलौती है वो। यूनिवर्सिटी में कोई फ्रेंड नहीं उसकी जिससे वो अपने दिल का हाल शेयर कर सके? रिदा है, रिदा से उसकी अच्छी दोस्ती है, लेकिन रिदा आई थिंक इस्लामाबाद गई हुई है, आज यूनिवर्सिटी भी नहीं आई थी। और रिदा जो है क्या वो अनाया की भी फ्रेंड है? हाँ, रिदा अनाया की भी दोस्त है, लेकिन कुत्सिया से भी उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है। और अली अनाया आप उसमें कजन्स हैं राइट? एग्जैक्टली, और इसी वजह से मेरा अनाया से भी इतना झगड़ा हो गया। उसका कज़न कोई इंसान इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? आई नो कुत्सिया ने भी गलत किया, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, अपनी पहचान छुपाने की क्या जरूरत थी? लेकिन फिर भी किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि सबके सामने उसे इस तरह बेइज्जत करे। ऐसा तू सोचता है ब्रो, हकीकत तो यही है कि जितने भी अमीर लोग हैं ना वो अपने स्टैंडर्ड्स में इतने हाई हो चुके हैं कि जब वो नीचे देखते हैं ना तुमको गरीब लोग हकीर नजर आते हैं। शायद यही पॉइंट प्रूव करने के लिए उसने झूठ बोला हो यार। तू भी जिम कर, मैं भी करता हूँ। हेलो अली, कहाँ हो?
मैं आमिर के साथ हूँ इस वक्त। बोलो। मुझे जल्दी से कुत्सिये का एड्रेस सेंड करो। कुत्सिये का एड्रेस? मगर वो क्यों चाहिए तुम्हें? ज्यादा क्वेश्चंस मत करो, जो बोल रही हूँ वो करो। कुत्सिये का एड्रेस भेजो। अच्छा अच्छा, मैं करता हूँ तुम्हें सेंड। जल्दी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा, पहचाना नहीं मैंने आपको। जाहिर है मैं पहली दफा जो आई, तो आप कैसे पहचानेंगे मुझे? मैं अनाया। शायद आपने कभी जिक्र सुना? नहीं, जिक्र तो कभी नहीं सुना, लेकिन हमारी दहलीज पर आई हो तो जरूर कोई ताल्लुक होगा। वैसे मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आप कुत्सिया की माँ है ना? हाँ। और आप? मैं अनाया, कुत्सिया के साथ उसकी क्लास में पढ़ी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मुझे लगा उसने शायद कभी आपसे हमारा जिक्र किया होगा, तभी इतना फ्रैंक हो गई। अरे बेटा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसने आपका नाम लिया है या नहीं लिया। आप उसकी दोस्त हो, उसके साथ पढ़ती हो, यहाँ आई हो, तो बाहर क्यों? आ जाओ। अनाया, तुम? हाँ, वो आंटी ने गेट खोला था। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा रूम है, तो मैं आ गई। सोचा तुम्हें सरप्राइज कर दूं। क्या हुआ, तुम मुझे देखकर इतना परेशान क्यों हो गए? नहीं नहीं, वो मैं मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने मेरा फोन पिक नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊं, तुमसे मिल लूं। लेकिन तुम यहाँ? तुम यही सोच रही होगी कि मुझे तुम्हारा एड्रेस किसने दिया? अली ने। अली ने? वो मेरा रिलेटिव है। क्या, वो तुम्हारा रिलेटिव है? मगर तुम ये मत सोचना कुत्सिया कि अली ने जो कुछ भी किया है, मेरा भी उसमें हाथ है, उसमें मैं शामिल थी। बल्कि तुम नहीं जानती कुत्सिया कि मेरी कितनी लड़ाई हुई है, लेकिन उसने मुझे बताया कि तुमने उसको सबके सामने थप्पड़ मारा था, उसी का बदला लेने के लिए उसने किया। खैर, उसने जो कुछ भी किया उसे ये नहीं करना चाहिए। बहुत हैरान हुई थी मैं वो सब कुछ देखकर। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी कुत्सिया, परेशानी हो रही थी कि कहीं तुम अपने आप को कुछ नुकसान ना पहुंचा दो, कुछ गलत ना कर दो खुद के साथ। जाहिर है एक लड़की की पूरी क्लास के सामने इतनी इंसल्ट हुई, सबके सामने उसकी असलियत बताई गई, उसको जलील किया गया, क्या गुजरती होगी उस पर? लेकिन थैंक गॉड कि तुम ठीक हो, तुमने खुद को कुछ नहीं किया। अम्मा, इतने सारे लोग जमा थे वहां पर और तेरा बेटा स्टेज पर, सबकी नजरें मुझ पर जमी थी। अच्छा, फिर? बस फिर क्या अम्मा, मैंने जब कुत्सिया की हकीकत बताना शुरू किया ना सबको, सबके चेहरे देखने वाले थे सफेद पड़ गए थे, एकदम हैरान हो गए थे।
और कुत्सिया मेरे स्टेज पर जाने से पहले रोते हुए वहां से भाग गई। अम्मा एक एक झूठ जो उसने बोला था ना अपनी अमीरजादी होने का सारा बताकर आया हूँ, एक भी नहीं छोड़ा। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, तुझे ऐसे ही करना चाहिए था। लेकिन एक बात है, अब वो तुझसे नफरत करने लगेगी। हाँ तो करती रहे नफरत, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि आज उसकी मैंने अकड़ तोड़ दी, आज के बाद ये अमीरजादी का ढोंग नहीं करेगी। नमस्कार। हाँ एक चीज जरूर है, उसके घर अब किसी अमीरजादी का रिश्ता नहीं आने वाला। उसके घर तो जाएगी बारात सिर्फ खालिद। और तो और, इब्राहिम ने मुझसे कितना झगड़ा किया तुम्हारी वजह से। इब्राहिम ने? क्यों? क्योंकि मैं अली को पहले से जानती थी, इस वजह से। अब तुम मुझे खुद बताओ, अली को अगर मैं पहले से जानती हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर, मेरी क्या गलती है? मैंने तो उसे नहीं कहा था ना ये सब करने को। तुम दोनों का आपस का मसला था इसीलिए इतना आगे बढ़। खैर, मैं इब्राहिम को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। लड़कियां उसके दिल में बहुत जल्दी घर बना लेती हैं और बहुत जल्दी दोस्ती भी हो जाती है उससे। तुम खुद को ही देख लो, तुमसे दोस्ती करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे भागता है। तुमने उसे लिफ्ट नहीं कराई तो तुम्हारी हमदर्दियां हासिल करने के लिए मुझसे लड़ा, मुझसे, अपनी बेस्ट फ्रेंड से। पहले भी उसकी बहुत लड़कियों से फ्रेंडशिप है और एक बेचारी लड़की के साथ तो उसने। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? छोड़ो, फिर कभी बताऊंगी तुम्हें इस बारे में। इब्राहिम की कॉल। अच्छा अब मैं जाती हूँ। चाय तो पीती जाओ। नहीं थैंक यू, फिर कभी। मैं तुम्हें देखने आई थी, तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। सोरे मेरे हाथ।